नमस्कार दोस्तों, HSSC गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिरसा जिले के बारे में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हरियाणा जिलेवार, जिसका हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। ये चौथा डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और ये है सिरसा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिरसा जिले के बारे में जो थोड़ी सी बातें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सिरसा जिला 1 सितंबर 1975 को बना था। CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा जिले में 2003 में स्थापित की गई। चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा से था। सिरसा का नाम सीरीज वन के नाम पर पड़ा। सिरसा जिले के नाम सबसे ज्यादा रक्तदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिरसा जिले के डेरा सच्चा सौदा के नाम 18 अन्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। चौधरी देवीलाल 1989 में केंद्रीय सरकार में उप प्रधानमंत्री बने थे। ये जो सिरसा के बारे में जो थोड़ी बातें थी। आगे दोस्तों, हम सिरसा जिले के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, घग्गर नदी पंजाब से बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? सिरसा जिले में। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा में। सरस्वती नगर हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? ये सिरसा को कहा जाता है। फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है दोस्तों सिरसा जिले में। आगे है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला बड़ा है? सिरसा। श्री तारा बाबा तारा जी कुटिया कहाँ स्थित है? सिरसा में। सुरखा पर्यटन स्थल कहाँ पर है और कब बना? ये सिरसा में है, 1980 ईस्वी में बना। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? ये कागदाना की गिगोरानी सिरसा के अंदर लगता है। गुरु गोविंद सिंह पुरो का आयोजन कहाँ होता है? ये होता है दोस्तों सिरसा व चोरमार के अंदर। अनकाड़ दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा जिले में। चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा के किस जिले में हुआ था? ये चोटाला गांव में हुआ था, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। आगे दोस्तों, राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? ये है सिरसा। राज्य के किस जिले में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा जिले में। भाखड़ा नहर द्वारा किस जिले की सिंचाई की जाती है? सिरसा व हिसार की। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। और दोस्तों, हम हर वीडियो के साथ एक ट्रिक लेके आ रहे हैं जो किसी भी बेस हो सकती है। जैसे कि हमने आज इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके अंदर हरियाणा के जितने भी, सॉरी, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सा स्टेट का क्या नाम है। तो दोस्तों, हम उस ट्रिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वो ट्रिक है, मित्र अत्रा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊंगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक है जिसके अंदर भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी के नाम है। तो दोस्तों, जैसे मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, अत्रा ऐसे असम, तय से तमिलनाडु, रा से राजस्थान, मुझसे मैं से मणिपुर, जय से झारखंड और स से सिक्किम, कहता कैसे केरल, है से हरियाणा, तय से तेलंगाना, है से हिमाचल, कहता है मैं मध्य प्रदेश, अपने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, 6 छत्तीसगढ़, बागों में बिहार, गोवा, आम की आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की कर्नाटक, उपज उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर, उगाऊं उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये सारे स्टेट थे अपने भारत देश के, जो जिसकी ट्रिक है मित्र अत्रा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊंगा। तो दोस्तों, आप देखते रहिए HSSC गुरुजी को और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिस भी दोस्त ने अपना HSSC गुरुजी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे और हर वीडियो में कोई ना कोई नई ट्रिक जरूर रहेगी। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।